नमस्कार फ्रेंड्स, आज बजट सत्र का प्रारंभ हो रहा है। महामहिम राष्ट्रपति जी के उद्बोधन से सत्र आरंभ हो रहा है। पिछले सत्र में हमारा प्रयास भी था और देश की आशा अपेक्षा भी थी कि तीन तलाक ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर कोई राजनीति नहीं होगी और मुस्लिम महिलाओं को उनका हक मिलेगा, लेकिन पिछले सत्र में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद भी तीन तलाक, ट्रिपल तलाक संसद में हम पारित नहीं करवा पाए। मैं आशा करता हूं और मैं देश के सभी राजनीतिक दलों को विनम्र आग्रह करता हूं कि इस सत्र में तीन तलाक महिलाओं के, विशेष करके मुस्लिम महिलाओं के हक की रक्षा करने वाले इस निर्णय को हम सब पारित करें और 2018 के नए वर्ष की एक उत्तम भेंट सौगात हमारी मुस्लिम महिलाओं को हम दें। बजट सत्र अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। पूरा विश्व जब भारत की अर्थव्यवस्था के प्रति बहुत ही आशावान है, भारत की राह, भारत की प्रगति पर विश्व की सभी क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हो, वर्ल्ड बैंक हो, IMF हो, बहुत ही सकारात्मक अपने ओपिनियन देती रही है। यह बजट देश की तेज गति से आगे बढ़ रही अर्थव्यवस्था को एक नई ऊर्जा देने वाला, देश के सामान्य से सामान्य मानवीय की आशा अपेक्षाओं को परिपूर्ण करने वाला बजट आएगा और बजट के बाद एक महीने भर भिन्न भिन्न कमेटियों में बजट की विशद चर्चा होती है। अनुभव ये है कि उन कमेटियों में दल से ऊपर देश होता है, सभी दल के लोग, सत्ता पक्ष के लोग भी कमियां उजागर करते हैं और विपक्ष के बंधु उसकी खूबियों को उजागर करते हैं। यानी एक प्रकार का बहुत ही हेल्दी एनवायरनमेंट होता है, हेल्दी एटमॉस्फेयर होता है। कल जब ऑल पार्टी मीटिंग हुई तो मैंने आग्रह किया है कि हम इस महीने की जो चर्चा सत्र रहता है कमेटियों के अंदर, उसका भरपूर उपयोग करें और बजट का सर्वाधिक लाभ देश के सामान्य मानवी तक कैसे पहुंचे, दलित, पीड़ित, शोषित, वंचित को कैसे मिले, गांव गरीब को कैसे मिले, किसान मजदूर को कैसे मिले, इस पर हम व्यापक चिंतन करें, सकारात्मक सुझाव दें और रोड मैप बना करके हम आगे बढ़ें। बहुत बहुत धन्यवाद।